हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ ओके टच। में मैं एक बार फिर से आपके लिए एक और दवा का वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सॉल्यूशन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट दवा के बारे में। ये कई ब्रांड में मार्केट में उपलब्ध है, जैसे यूरीसिट्राल, ओरीसिट्राल, सिट्रालका, सिटाल, अल्कानिप, अल्कासोल और भी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं। बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। यूरिन में जलन, मतलब पेशाब में जलन, एसिडिक हो जाता है, पेशाब में पानी की मात्रा कम हो जाती है और एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तब पेशाब में जलन होने लगती है। इसके अलावा किडनी में स्टोन होने पर पेशाब में जलन होने लगती है, या रुक रुक कर जब पेशाब आता है तो उस समय भी डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट दवाई दी जाती है। इसके अलावा कुछ यूज इसके कॉन्स्टिपेशन में भी होते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ किया जाता है। एसिडिटी में भी इसको यूज़ में लाई जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज की। अडल्ट में 15 से 30 ml दिन में 2 से 3 बार एक गिलास पानी में मिलाकर ले सकते हैं। यदि 7 साल से 12 साल का कोई बच्चा है, 5 ml दिन में 2 से 3 बार एक गिलास पानी में मिलाकर। साथ ही अगर 7 साल से छोटा कोई बच्चा है, उसे अगर यूरिन की दिक्कत है तो उसे 2 ml दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर बच्चा 2 साल से छोटा है, बच्चे को खुद दवाई ना दें, पहले डॉक्टर को दिखाएं। बात करते हैं सावधानियों की, किसको नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें, इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। ये दवा लेते ही 1 मिनट के अंदर अपना कार्य करना शुरू कर देती है और कार्य का ड्यूरेशन लगभग 4 से 6 घंटे तक रहता है, इसलिए हम इसे दिन में 3 बार 6-6 घंटे के गैप में देते हैं। दोस्तों, मुख्य बात यह है, अगर आप इस दवाई को ले रहे हैं तो शराब को बिल्कुल अवॉइड कर दें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।